तारकेश्वर महादेव मंदिर जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, ललिता घाट जो कि गंगा द्वार ऑफ काशी विश्वनाथ मंदिर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर जो कि ऊपर तक इस समय डूब चुका है, अभी और डूबेगा, एकदम लास्ट सिरा तक अभी पानी जनरली आता है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सटा हुआ जो हिस्सा था वो पूरा पूरा डूब चुका है। आ रहे हैं यहाँ के लोगों की आज रात तक ये पानी यहाँ तक बढ़ते हुए ये पूरा हिस्सा डूब जाएगा, जो गति से पानी अभी बढ़ रहा है। मित्रों, पीछे है गंगा नदी और मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि गंगा नदी का जल स्तर वाराणसी में इस समय तक कितना बढ़ चुका है, और अर्थात कहें तो वाराणसी में बाढ़ की क्या परिस्थिति है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, ये देख रहे हैं आप तारकेश्वर महादेव मंदिर जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। अंदर शिवलिंग भी इस समय जलमग्न है, जिसका कि जल अभिषेक माँ गंगा स्वयं कर रही हैं। ये है तारकेश्वर महादेव मंदिर जो कि ठीक मणिकर्णिका घाट के बगल में है, और मणिकर्णिका घाट स्वयं ललिता घाट जो कि गंगा द्वार ऑफ काशी विश्वनाथ मंदिर है, कॉरिडोर है, उसके बगल में है। यह सभी इस समय जलमग्न हो चुके हैं। अभी यह पानी बढ़ने का क्रम सिलसिला जारी है। नावों को बाधित कर दिया गया है, नावों का संचालन अवरुद्ध है काशी में। और आप ये देख सकते हैं रत्नेश्वर महादेव मंदिर जो कि ऊपर तक इस समय डूब चुका है, अभी और डूबेगा, एकदम लास्ट सिरा तक अभी पानी जनरली आता है। तो ये है रत्नेश्वर महादेव मंदिर, मणिकर्णिका घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर गंगा नदी का जल प्रवाह और बाढ़ की वाराणसी में वर्तमान परिस्थिति किस प्रकार से अभी भव्य और क्या बोलते हैं कि रौद्र रूप अभी काशी में अभी और देखना बाकी है, क्योंकि अभी भी जो कि डेंजर लेवल जो है कि कहते हैं कहें तो खतरे के निशान से अभी तो काशी में गंगा नदी नीचे है। अभी तो और ऊपर आनी अभी शेष है, क्योंकि अभी और ऊपर आएंगी, लगभग 5 से 7 मीटर और ऊपर आएंगी, तो ये अभी जल जहां पर अभी हम अभी खड़े हैं यह सभी एरिया डूब जाएगा, और जहां पर अभी ये लोग छत पर खड़े हैं ये हिस्सा तक पानी आ जाता है। तो ये है अभी गंगा का रौद्र रूप के पहले तक का वर्तमान समय में जल स्तर, अभी लगभग 68 मीटर के आसपास है पानी, और अभी और ऊपर आना जारी है। गंगा जी का जो जल प्रवाह है वो आप देख सकते हैं कि कितनी तीव्र गति से बह रही है गंगा का जल। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो संस्कार आदि जो विधि है वो गंगा जल स्तर में किस प्रकार से दूर से ही किया जा रहा है, क्योंकि घाट सारे डूब चुके हैं इस समय। गंगा के वाराणसी के सभी 84 घाट इस समय जलमग्न हो चुके हैं और आपसी संपर्क टूट चुका है। ये जो आप इस स्थान देख रहे हैं, यहाँ तक जब गंगा का जब जल स्तर आता है तो यहाँ तक आ जाता है, अभी इससे थोड़ा नीचे ही है। और अभी आप कहाँ तक है जल स्तर वो आप देख सकते हैं कि मैं अभी कुछ सीढ़ियाँ बस केवल नीचे उतरूँगा और यहाँ पर जल स्तर गंगा का आ जाएगा। और इस सीढ़ी से जैसे आप नीचे उतरेंगे इधर आएंगे तो सामने देखेंगे आपको कि जल गंगा का यहाँ गली तक आ चुका है, और मणिकर्णिका घाट पूरी तरह से डूब चुकी है। घाटों पर अब शवदाह अवरुद्ध हो चुका है, पूरा घाट डूब चुका है। आप देख सकते हैं यहीं से नीचे गंगा जी की तरफ जाने का रास्ता हुआ करता था मणिकर्णिका घाट पर, इधर से दोनों डूब चुका है। अब मात्र छत पर जाने का रास्ता यहाँ तक बचा है, और यहीं तक आ करके छत पर ही शवदाह हो रहा है। देख रहे हैं कि अब मात्र यहीं पर शवदाह केवल मात्र यहीं पर हो रहा है, बाकी का पूरा आप देख सकते हैं डूब चुका है। यहाँ पर आपको जलता हुआ शव दिख जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सटा हुआ जो हिस्सा था वो पूरा पूरा डूब चुका है। यहीं पर इस समय ध्वस्तीकरण आदि का कार्य चल रहा था, यहीं पर पोकलेन थी तो पोकलेन आदि मशीनों को देख सकते हैं यहाँ से ऊपर सरका दिया गया है, और बाकी पूरा नीचे का हिस्सा भाग पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है घाट का। यहीं पर पहले शवदाह आदि हुआ करते थे, लेकिन अभी सब के सब डूबे हुए हैं। कुछ लकड़ियाँ यहाँ पर नावों पर रखी हुई हैं, क्योंकि लकड़ियों को रखने का स्थान भी जलमग्न हो चुका है। Hello
देख सकते हैं मित्रों, यहाँ छतों पर किस प्रकार से शवदाह करना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे का जो घाट वाला क्षेत्र है मणिकर्णिका घाट का, वो पूरा डूब चुका है। और अभी तो ये पानी नीचे गली तक यहाँ तक आ जाएगी पूरी की पूरी। जो आगे देख रही है आपको यहाँ पानी, वो अभी यहाँ तक आ जाएगी, तो पूरी तरह से घाट अवरुद्ध हो जाता है। और इस समय वर्तमान परिस्थिति कुछ ऐसी ही है गंगा नदी की, वाराणसी में बाढ़ की। तो मित्रों, जैसा कि देख सकते हैं, ये है काशी विश्वनाथ का गंगा द्वार, और गंगा द्वार को भी इस समय एग्ज़िट यहाँ से और एंट्री यहाँ से रोक दिया गया है, क्योंकि पानी का जल स्तर जो है गंगा का वो काफ़ी ऊपर आ गया, इस वजह से यहाँ पर पूरी तरह से रोक दिया गया है एंट्री एग्ज़िट। तो मित्रों, ये देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट की वर्तमान परिस्थिति और पानी का जल स्तर। ये है गंगा जी, और इधर हैं शीतला जी। शीतला जी का जो आगे का हिस्सा है वो आगे से जाने का है, जो कि डूब चुका है, और अब शीतला मंदिर शीतला घाट जाने का रास्ता भी नहीं बचा है। सभी घाट आपस में अवरुद्ध हो चुके हैं, सभी का संपर्क टूट चुका है, और जो जल स्तर है आप देख सकते हैं, लास्ट सीढ़ियां अभी यहीं बहरहाल, अभी यह पानी भी अभी और ऊपर आएगा और लास्ट सीढ़ियों के ऊपर सड़क तक चला जाता है। अभी तो पानी थोड़ा नीचे है। तो मित्रों, ये जो देख रहे हैं आखिरी सीढ़ी के ऊपर तक एकदम टच हो गया ये पानी, बता रहे हैं यहाँ के लोगों की आज रात तक ये पानी यहाँ तक बढ़ते हुए ये पूरा हिस्सा डूब जाएगा, आज शाम तक ही ये डूब जाएगा। और अभी समय की बात करें तो आप देख सकते हैं संध्या के 5:15 बज रहे हैं, लेकिन आज ही बता रहे हैं कि ये पूरा पूरा डूब जाएगा, जो गति से पानी अभी बढ़ रहा है। और यदि ढंग से हर साल की तरह जो एक नॉर्मल बाढ़ का आने का पानी का स्तर है वो आता है, तो उस पानी यहाँ तक आ जाएगा, और इस स्थान तक अंतिम चरम स्तर जब पानी का होता है गंगा नदी में बाढ़ का आ सकता है, और यदि आया तो यहाँ तक आएगा। कैसे लगी जानकारी मुझे बताइएगा ज़रूर से, अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सुझाव होगा तो लिखिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नई रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।